हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू टियांशिस किचन से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। और आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे तंदूरी रोटी, जिसको बहुत ही आसान तरीके से हम आयरन के तवे पे बनाएंगे। और मैं फ्रेंड्स शेयर करूँगी यहाँ पे दो तंदूरी रोटी की रेसिपी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हमने लेना है गेहूँ का आटा, तो हम जितना आटा लेंगे उसका आधा सूजी लेंगे। मैं यहाँ पे दो कटोरी के माप से आटा ले रही हूँ और एक कटोरी मैंने सूजी लिया है। इसके अंदर एक चम्मच नमक, दो चम्मच चीनी, एक पैकेट इनो का और तीन बड़े चम्मच दही के, यानी कि एक कटोरी के लगभग ऐसे मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया है। और इसको हाथ से मसलते हुए अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को आटे में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से सारी तरफ मिक्स कर लेने के बाद इसको हम पानी की हेल्प से अच्छे से एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे इसका। अच्छी तरीके से मसल मसल के हमने आटे को गूंद लेना है। उसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए, 15 मिनट ऑलमोस्ट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि आटा हमारा तंदूरी रोटी वाला जो टेक्सचर होता है वो पकड़ लेगा। और इसको लास्ट में जब आटा हमारा गूंज जाएगा, इसमें हम दो चम्मच ऑयल लगा के इसको अच्छे से गूंद के और फिर हम इसको रखेंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे दो चम्मच मैं ऑयल के यूज़ कर ले रही हूँ, रिफाइंड ऑयल। और इस तरीके से इसको सारी तरफ लगा के आटे पे और फिर इसको छोड़ दूंगी 15 मिनट रेस्ट के लिए। पंद्रह मिनट बाद आटे में इस तरीके से जालियां पड़ने लगेंगी जैसे हम इसको गूंदेंगे, और ये आटा जैसे फटता है ना बीच बीच में से, इस तरीके से ऐसे फटने लगेगा। तो इट मीन्स हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से तंदूरी रोटी के लिए तैयार है। अब इसको दो मिनट अच्छे से एक बारी हमने दोबारा से कर लिया है, हाथ से गूंद लिया है। और उसके बाद मैं आटे की एक लोई बनाऊंगी और उससे बेल के, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना अपने घर पे, उसी तरीके की एक रोटी बेल लूँगी। उसके बाद हमने इस पे जो कलौंजी का दाना आता है ना, कलौंजी आती है, वो बिल्कुल थोड़ा सा हाथ से जैसे आधी चम्मच के करीब, छोटे वाली आधी चम्मच होता है ना उतना, और इस तरीके से हमने रोटी के ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है। और बारीक कटा हुआ धनिया मैं यहाँ पर स्प्रिंकल कर ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे धनिया की जगह पे कसूरी मेथी या फिर दोनों ही चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ऐसे करके थोड़ा सा मैं इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करूँगी और फिर इसको बेल लूँगी इस तरीके से। और ये हमारी तंदूरी रोटी वाला इसका जो लुक है वो रेडी है। अब इस आटे की जो रोटी है इसको हम उठा के और इसके बैक साइड पर पानी अच्छे से हाथ से ऐसे टैप टैप करके लगा लेंगे, जिससे कि ये हमारे जो आयरन वाला तवा है उस पर अच्छे से चिपक जाएगी। और जब हम इसको पलट के सेकेंगे तो ये गिरेगी नहीं। ये मैंने रोटी को इस तरीके से गर्म तवे के ऊपर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा गर्म तवा नहीं होना चाहिए, मीडियम तवा गर्म होना चाहिए, और इससे हमारी रोटी का एक अच्छा सिकाव दोनों साइड से बनता है। तो यहाँ पर जब रोटी में बबल्स आने लगेंगे तो हम इसको उठा के ऐसे तेज आंच पे दूसरी साइड से सारी तरफ से सेकेंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे जहाँ से हमारी रोटी कच्ची है वहाँ वहाँ से इसको ज़्यादा सेकेंगे इस तरीके से। जब हमारी रोटी सिक चुकी होगी तो हमने ऐसे इसको तवे से निकाल लेना है और फिर जहाँ जहाँ से कच्ची है वहाँ से एक बार दोबारा गैस पे ऐसे सेक लेंगे। तो ये वाली रोटी हमारी फ्रेंड्स बन के रेडी है ऑलमोस्ट। अच्छी तरीके से सारी साइड से सेक लेने के बाद इसको हम बटर से या फिर घी से ऐसे लगा के साइड पे रख देंगे। उसके बाद मैं दूसरा तरीका फ्रेंड्स बता रही हूँ। सेम आटा मैंने लिया है और उसी पे सेम लोई बना के, जैसे वह पहले वाला प्रोसेस था, बस यहाँ पे मैं कलौंजी की जगह सिर्फ लहसुन का प्रयोग कर रही हूँ और इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। धनिया पत्तियाँ यहाँ पर भी यूज़ की हैं मैंने, और यहाँ पर भी आप चाहो तो कसूरी मेथी का यूज़ कर सकते हो। सेम प्रोसेस से फिर दोबारा हम इसके पीछे पानी लगाएंगे बैक साइड पे और इसको भी सेम प्रोसेस से तवे पे मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे बबल्स आने तक। और जब रोटी के अंदर बबल्स आने लग जाएंगे इस साइड से, तब हमने इसको उठा के और सेकना स्टार्ट करना है दूसरी साइड से इस तरीके से। फिर वही सेम प्रोसेस है कि हमने सारी साइड से इसको सेक लेना है
और जब सारी सर्जेस सीख जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे पलटे की हेल्प से, या फिर चिमटा अगर आपके पास है तो उसकी हेल्प से आप निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे इसको पलटे की हेल्प से निकाल रही हूँ, थोड़ा जल्दी निकल जाता है, रोटी क्योंकि पानी की हेल्प से चिपक जाता है ना, तो ऐसे इस तरीके से हमने इसको निकाल लेना है। और फिर हम ऐसे इसको आँच पे जहाँ से भी हल्का सा कच्चापन रोटी का रह गया है वो इस तरीके से सेक के और प्रॉपर सेक लेंगे इसको, और फिर बटर से या फिर घी से गरम 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 रोटी के ऊपर लगा के इस तरीके से हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको किसी भी सब्ज़ी के साथ, पनीर से या फिर दाल फ्राई के साथ, या जो भी आपको सब्ज़ी पसंद है उसके साथ तंदूरी रोटी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। है ना कितना आसान और झटपट बनने वाला तंदूरी रोटी, और ये खाने में इतना डिलीशियस लगता है। बस हर एक चीज़ का मेज़रमेंट अच्छे से होना चाहिए, जो जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और फ्रेंड्स, ये हमारी तंदूरी रोटी बनके रेडी है। अगर आप लोगों को इस तरीके के और वीडियोस देखने हैं मेरे चैनल पर, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा बुरा कैसा भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इसी तरह की एक बढ़िया रेसिपी के साथ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।